और इधर देखो ये पूरे पेड़ नीचे आए हुए, पूरा पहाड़ नीचे खिसका हुआ है। भागो भागो जल्दी भागो। और आगे तो भाई गड्ढे इतने भाई। एक और ये सबसे बड़ी लैंडस्लाइड देखने को मिली है भाई। बड़े बड़े पहाड़ नीचे आए हुए हैं भाई, पता नहीं कितने बाढ़। अरे बाप रे, इधर तो बादल फटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। और हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं दिल्ली से लैंसडाउन तक। पहले भाई सीट बेल्ट लगा लेता हूँ क्योंकि गाड़ी मूविंग कंडीशन में है। लो जी, सीट बेल्ट लग चुकी है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लैंसडाउन तक। और भाई लैंसडाउन तक का जैसे आप सब जानते ही हैं जो रूट है बहुत ही सीधा सीधा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ट्रिप दिल्ली अक्षरधाम से। अक्षरधाम से आप जाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे से खतौली, खतौली के अंदर से फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे, बिजनौर पहुंचेंगे, बिजनौर से नजीबाबाद पहुंचेंगे, नजीबाबाद से कोटद्वार पहुंचेंगे और कोटद्वार से सीधा लैंसडाउन पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी सीधा सीधा रूट। जो मैं जाऊंगा वो जाऊंगा पहले मैं मोहन नगर, मोहन नगर से मुझे एक और पर्सन को पिक करना है, वो भी मेरे साथ इस ट्रिप पर होंगे। मिलवाता हूँ आपको उन पर्सन से भी। तो दोस्तों ट्रिप बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही फन लविंग ट्रिप होने वाला है। पूरी ट्रिप को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को लेके। महादेव का नाम बोलो, हर हर महादेव। तो भाई ट्रिप मीटर मैंने कर दिया है 0 और सुबह का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:17 और सुबह सुबह भाई सूर्य भगवान के दर्शन कर लो। देखो कितना खूबसूरत सनराइज हो रहा है वहां पे। मैं चल रहा हूँ गाजीपुर वाली रोड पर, पीछे मैंने अक्षरधाम छोड़ दिया है और आगे से मैं ले लूंगा लेफ्ट के लिए टर्न जो सीधे मोहन नगर के लिए जाता है। होता क्या है जब आपको नेक्स्ट डे ट्रिप पे जाना होता है तो रात भर नींद नहीं आती भाई। ठीक है, एक्साइटमेंट में कि कल निकलना है, कल निकलना है, कल निकलना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है। लेकिन इस बार क्या है भाई, मेरे को जबरदस्त भर के नींद आई है। रात को सोया हूँ, रात को 10 के आसपास सो गया था मैं और सुबह उठा हूँ भाई जहाँ बिल्कुल ऑन पॉइंट पे कि भाई अब निकलना ही निकलना है जल्दी से, नहीं तो फिर भाई ट्रैफिक लग जाता है बहुत ज्यादा। वैसे भी आज सैटरडे का दिन है तो भाई लोग बाग जम के घूमने जाते हैं भाई। दिल्ली के आसपास की जो पहाड़ की जगह है सब लोग घूमने जाते हैं वीकेंड मनाने। तो जी मैं पहुंच गया हूँ मोहन नगर तिराहा और अपने ट्रिप कंपेनियन को भी यहाँ से पिक करते हैं और फिर सीधे आगे चलते हैं मोहन नगर से मेरठ एक्सप्रेस वे से, अपनी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। बढ़िया भाई। तो भाई आ गए मेरे ट्रिप कंपेनियन, पहले भी वीडियो में देखा होगा आपने। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बोलो हर हर महादेव। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ था, दो रास्ते पड़ते हैं अगर आप गाजियाबाद से लैंसडाउन जा रहे हैं। आइदर या तो आप ले लो मेरठ एक्सप्रेस वे, नहीं तो जो पुराना वाला रूट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो आया था वो पुराने वाले रूट से आया था और इधर आप बोर्डिंग देख रहे होंगे सामने सीधे हरिद्वार लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरठ शहर और गाजियाबाद। तो भाई मैं जाऊंगा हरिद्वार वाले हाईवे पे और खतौली से आगे जाके एक राइट टर्न आता है फ्लाईओवर के नीचे से, वो लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ NH 58 पे और सामने भाई पुलिस की गाड़ी भी जा रही है। ठीक है, और मेन पर्पज ये है कि बताता हूँ आपको, यहाँ पे लग चुके हैं भाई स्पीड कैमराज। ठीक है, अभी वर्किंग नहीं है शायद क्योंकि स्पीड नहीं दिखा रहे हैं। ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ था योर स्पीड करके। ठीक है, वहाँ पे आपको स्पीड नजर आ जाएगी आप भी कितनी विदिन स्पीड लिमिट चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। और यहाँ पे अभी बोर्डिंग्स भी नहीं लगे हुए हैं कितनी स्पीड में आप चल सकते हो। जो हाईवेज पर जनरली स्पीड होती है वो 80 या 90 की होती है, एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा होती है 100 या 100 अबव होती है। तो अभी एक कोई बोर्ड नज़र आता है तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर शेयर करता हूँ। भाई गाड़ी चलाते चलाते थक गया था, एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है। अभी मैं पहुंचने वाला हूं चीतल ग्रैंड वाले कट पे, यहीं से मेरे को राइट टर्न लेना होता है लैंसडाउन जाने के लिए। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैं खेतों में आके क्यों खड़ा हो गया हूं,
पीछे मेरे खेत ही खेत नज़र आ रहे होंगे आपको। तो भाई खेतों में इंसान क्यों जाता है, एक ही काम करने के लिए जाते हैं। पहले कर लेता हूँ फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। तो भाई वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, ये NH 58 पे अभी मैं चल रहा हूँ। मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि फ्लाई ओवर के नीचे से राइट टर्न आ जाएगा, वहाँ से जाएंगे सीधे लेंस डाउन। और भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाइब आ रखी है। दोस्तों ये आ चुका है खतौली के लिए टर्न, यहाँ से फ्लाईओवर से राइट लेंगे लेंस डाउन जाने के लिए। मैं पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ ये टर्न, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। खतौली यहाँ से रह गया 3 किलोमीटर। तो भाई चलते चलते पहुंच गया हूँ गंगा बैराज पे। ये है मध्य गंगा बैराज बिजनौर, और इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, फुली डेडिकेटेड वीडियो है, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और वहाँ से वहाँ तक की पूरी गंगा नदी फैली हुई है भाई। वो उधर कैमरा लगा हुआ है कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, नापने के लिए गंगा जी कितने निशान पर बह रही हैं, और सिक्योरिटी के लिए भी कैमरा लगा रखा होगा, पहले वो कैमरा नहीं लगा हुआ था। तो भाई पीछे आप देख रहे होंगे रोड जा रही है, इस तरफ चले जाएंगे तो दिल्ली के लिए चले जाएंगे, और इधर चले जाएंगे तो बिजनौर के लिए चले जाएंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंगा जी बहती हुई। भाई कैसा लग रहा है, बहुत सुकून आ रहा है ना, गंगा जी के सामने आते भाई सुकून आ जाता है, ज़बरदस्त लग रहा है। चले पूछे क्या उससे, पूछे चलो भाई दिखाते हैं, अगर डॉल्फिन दिखती है तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो भाई वहाँ पर वो जो बोट खड़ी है उधर पता करना पड़ता है कि भाई डॉल्फिन वगैरह दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। एक डॉल्फिन पॉइंट भी है यहाँ पे आगे जाके, है कितने चार्जेस होंगे वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। भाई बोट वाला ना कहीं उस तरफ लेके जाता है जहाँ डॉल्फिन पॉइंट है, और अभी तो देख लग रहा है कि भाई बहुत सारा पानी है इधर, बहुत पानी है, पीछे से पानी छोड़ा हुआ है, ऊपर बारिश भी हो रही है पहाड़ों पर। तो भाई कुछ दिन पहले यहाँ तक पानी आया हुआ था, जहाँ तक ये शिवलिंग है ना यहाँ पर बैठे हुए महादेव, यहाँ तक पानी था, और अब तो पानी काफ़ी उतर गया है नीचे, काफ़ी नीचे पानी आ गया है। मार्क वो लगे हुए हैं उधर, उधर मार्क लगे हुए हैं जिनसे पता लगता है कि भाई खतरे के निशान से ऊपर है कि नीचे है गंगा जी, ये मार्क लगे हुए हैं इधर। भाई छोले कुलचे खा के तो हो गया है, कैसे लगे छोले कुलचे? बढ़िया थे, मुझे भी बढ़िया लगे भाई, बहुत बढ़िया थे। एक प्लेट 40 रुपये, दो प्लेट 80 रुपये, 40 रुपये में कुलचे दो ही मिलेंगे आपको, लेकिन टेस्ट बढ़िया था भाई। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मेरठ पौड़ी हाईवे पे, जो नया हाईवे बन रहा है उस पर। तो ये सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोल बूथ बन रहा है यहाँ पे, और अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, और इस जगह का नाम है भनेड़ा। भाई ये धुआं छोड़ रही है आगे, इनका चलान वालान नहीं कटता क्या? मिट्टी के तेल से चलाई गई, मिट्टी के तेल से चल रही है, केरोसिन से चल रही है, केरोसिन से चल रही है, देखो नई टेक्नोलॉजी निकाली है, देखो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है भाई बताओ तेरा ससुराल किधर है? क्या कह रहे हो, ससुराल किधर है? ससुराल क्यों पता है, याद ही नहीं आ रही है, याद ही नहीं आ रही है ससुराल किधर है, देखो देखा जा रहा है मोबाइल में, सर्च किया जा रहा है, मैं तो टाइम देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ मोबाइल, जूतों से बचने के सारे नहीं है भाई, पता ही नहीं बंदे को ससुराल किधर है। ठीक है फर्स्ट प्राणी है ऐसा, जूते पहनने के सारे खुद के लिए, खुद के लिए गड्ढा खोद दिया भाई ने। दोस्तों अभी भी सर्च किया जा रहा है, कुछ नहीं सर्च, नाम नहीं पता लगा है अभी भी। तो भाई चलते चलते बहुत देर हो गई थी, एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, और वही अपने फेवरेट ढाबे पे, खैरा पंजाबी ढाबा, भाई जबरदस्त चाय मिलती है यहाँ पे और पराठे। आ
आगे जो है ना एक पेड़ गिराया जा रहा है, अब पता नहीं रीजन क्या है उसको गिराने का, और आगे क्रेन भी लगी हुई है, अभी जस्ट गिरा है और उसको हटा के अब साइड में किया जाएगा। ये देखिए क्रेन ने उठा लिया है, शायद हल्का हल्का सा मूव हो रहा है पेड़, और उसे उठा के साइड में कर दिया जाएगा। अबे उठाओ भाई, भाई ये साइड में क्रेन खड़ी हुई है और इधर ये पेड़ हटा के गिराया गया है, और ये देखिए तना इसको पकड़ लिया क्रेन ने और साइड में खड़ा कर देंगे अभी इसको, और ये पेड़ है जिसको काट के गिराया गया है अभी। भाई इधर तो बहुत सारे पेड़ काट दिए, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। कोट द्वार रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर और लेंस डाउन 44 किलोमीटर, और पौड़ी के लिए थोड़ी और आगे जाना पड़ेगा 110 किलोमीटर के लिए। तो इस पॉइंट से आप उत्तराखंड में एंटर कर जाते हैं, पीछे छूट गया है आपका उत्तर प्रदेश और अब आ गए हैं आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कोट द्वार शहर में, और ऊपर बोर्ड पर लिख रहा होगा कर्ण नगरी कोट द्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लेंस डाउन जाते हुए पड़ता है हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर, सिद्ध बड़ी बाबा का मंदिर, और इनके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस मंदिर के ऊपर भी, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, लेंस डाउन जाएंगे आगे। तो भाई अगर इस मंदिर में आने की सोच रहे हैं तो पार्किंग इस तरफ लगाएं लेफ्ट हैंड वाली साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी एक पार्किंग है, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, ये वाली थोड़ी सस्ती पार्किंग है। तो भाई पहुंच गया हूँ सिद्ध बलि मंदिर, और आगे जो डेडिकेटेड पार्किंग है वो फुल है, और रोड की साइड में दबा के गाड़ी खड़ी कर दी है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप भी रोड की साइड में गाड़ी दबा के खड़ी कर सकते हैं। चलो जी चलो, पहले इधर भी प्रसाद की दुकानें थी, उनको तोड़ दिया गया है, कुछ रेनोवेट कर रहे होंगे। प्रसाद लेना है, चलो। तो सामने आ गई है वो जगह जहाँ आपको प्रसाद में भेली और नारियल मिला होगा, यहाँ पे वो तोड़ी जाती है, एक बार में टूटना चाहिए। निकला ओ आराम से, शनिवार का दिन और मंदिर पूरा खाली है इस टाइम पे, श्रद्धालु बहुत ही कम है। चले बाबा के दर्शन करते हैं, बाद में आपसे बात करता हूँ। भाई इतना खाली मंदिर मैंने कभी नहीं देखा है, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं, और सामने देख रहे होंगे आप वहाँ पे भंडारा वितरण हो रहा है, बाबा का प्रसाद खाने जा रहा हूँ अब, और इधर लग गया हूँ भाई मैं भंडारे की लाइन में, बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो बाबा के दर्शन हो गए, भंडारा भी खा लिया, बहुत ही बढ़िया था भंडारा, मज़ा आ गया बाबा का प्रसाद खा के, और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं लेंस डाउन की ओर। भाई इधर मिली है ज़बरदस्त लैंडस्लाइड, सड़क ही गायब है भाई यहाँ से, और देख रहे हो तो बड़े बड़े पत्थर नीचे आए हुए हैं। अभी जस्ट अभी सिद्ध बलि मंदिर से आगे निकला हूँ, और सामने आप देख रहे होगे भाई झरना तो बह रहा है वो, अब मैंने पहली बार देखा है भाई, मैं इतनी बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे कभी नहीं दिखाई दिया यहाँ से वाटरफॉल से, ये गर्मी लग गई विकास होता रहे। दोस्तों दूसरा पत्थर, बड़ा पत्थर देखने को मिला है भाई, कितनी भयानक तबाही हुई है यहाँ पे, और सामने भी आप देख रहे होंगे लैंडस्लाइड मिली हुई है, ज्यादा तबाही हुई है यहाँ पे, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मनाली से कंपेयर कर दे तो कुछ भी नहीं है भाई। मनाली में तो पूरा 4 लेन बह गया, मनाली में तो सड़क ही गया है भाई, यहाँ पे तो सड़क है तो सही, एक काम ये चल रहा है, और इधर देखो ये सड़क नीचे पूरी गायब है, इधर से इसको बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे, आगे ट्रॉली आप देख रहे होंगे, पत्थर गिरा रही है, और एक क्रेन खड़ी हुई है, और एक भाई ये एक्सयूवी लेके खड़े हुए हैं, छोटी वाली एक्सयूवी, बच्चों वाली। अब इधर पहाड़ तो यहाँ काट नहीं सकते, यहाँ पे है ही नहीं, ये तो नाला है ना। हाँ इधर तो नीचे भाई खाई है, हाँ इधर नाला है, नाला है ना, इधर तो काट नहीं सकते, तो इनकी मजबूरी है यहाँ पे इसे भरेंगे गड्ढे को इससे, और उसके बाद इसके ऊपर रोड बनेगी।
यार इस बार बड़ी तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है भाई। कब तक का इसने कर दिया हिसाब किताब, 10 मिनट तो लगेंगे इसे कम से कम। खुल गया भाई रास्ता 2 मिनट में, खुल गया भाई। ट्रॉली वाले ने भाई पत्थर गिराए हैं बस यहाँ पे और खुल गया रास्ता। तो ये क्या हो रखा है भाई? भाई इधर तो पूरा पेड़ नीचे है, पहाड़ नीचे, पहाड़ नीचे आया हुआ है। इधर दिखाओ लेफ्ट में और देखो, और इधर देखो ये पूरे पेड़ नीचे आए हुए, पूरा पहाड़ नीचे खिसका हुआ है। भागो भागो जल्दी भागो। और आगे तो भाई गड्ढे इतने, पाताल लोक से हो गया, हो गया आप। ओ भाई यहाँ तो लग रहा है भाई ये बादल फटा है, नॉर्मल तो भाई नहीं है, यहाँ बादल फटा होगा भाई। एक और ये सबसे बड़ी लैंडस्लाइड देखने को मिली है भाई, बड़े बड़े पहाड़ नीचे आए हुए हैं भाई, पता नहीं कितने बाढ़। अरे बाप रे, इधर तो बादल फटा हुआ है। भाई एक सामने वो पहाड़ है पूरा गायब है, इधर से नीचे दिखाना, नीचे दिखो, नीचे दिखाना, वो सामने आ रहे हैं ना, ये दिखो भाई इधर से पूरा पहाड़ नीचे आई है। कितनी गॉड भाई, कितनी तबाही हुई है यहाँ पे। सामने एक और लैंडस्लाइड है, एक एक करके गाड़ियां निकल रही हैं वहां से, अभी सामने से आ रही है गाड़ियां और उसके बाद हमारा नंबर लगेगा जाने का। बहुत बुरा हाल हुआ है इस बार पहाड़ों का ना, गंदा एकदम खतरनाक। गाड़ी चलने से मना कर रही है तो ये एक और लैंडस्लाइड वाला एरिया मिला और एक बारी में एक ही व्हीकल पास हो सकता है इधर से। सामने से ट्रक आ रहा है मिलिट्री का, जब ये पास हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। उसके पीछे भी लाइन लगी पड़ी है भाई, ऐसे लगता है चढ़ाना दे। अरे बाप रे, क्रेन आ रही है इसके आगे, क्या है ये जेसीबी? अब बाइक मत टॉस अप कर दिया भाई साहब इधर। एक साल तक ना पहाड़ों का रुख मत करो, कोई भी आ रहा है तो। हमको तो भाई लेफ्ट ही जाना पड़ेगा ना हमको तो। हाँ हमारा तो लेफ्ट भाई, ये ऐसे बांध के कुछ चल रहा है बल्लियों को, तो डर सा लग रहा है इसकी भी चलाने में। निकाला भाई यार, यहाँ पे तो रोड सही लग रही है। पीछे वाले भाई को ज्यादा जल्दी है, जा भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। बस तो एक और छोटा सा झरना दिखाई दिया है भाई, देखना बिल्कुल दूधिया पानी गिर रहा है इसमें से भाई। यहाँ पे तो बिल्कुल काम चल ही रहा है अभी और बड़ी आराम से निकालनी पड़ रही है भाई गाड़ी, आवाज ना आए कोई भी। चलो भाई निकल रही है। ये तो पहुंच गए सपनों की नगरी में। कंटिन्यू कंटिन्यू, अरे
नींद खराब कर दिया होगा यार, बोलिए ना अच्छी खासी प्यारी नींद आ रही थी। देख रहे हो ये ढाबा, ये मेरा फेवरेट ढाबा है। यहाँ पे खाना बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, चाय कॉफ़ी और मैगी बहुत बढ़िया मिलती है। फिलहाल तो बंद है, ताला लगा हुआ है इधर। और रास्ते में मैं देख रहा हूँ भाई टूरिस्ट बहुत ही कम है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हैं, सड़कें साफ़ हैं, नीचे पहाड़ आ रखे हैं बिल्कुल। तो अभी लैंसडाउन यहाँ से रह गया है लगभग 10 किलोमीटर, आधे घंटे में लैंसडाउन पहुँच जाएंगे, उसके बाद बस स्टार्ट होगी हंटिंग, होटल ढूंढने की, रूम ढूंढा जाएगा। पानी तो इधर नीचे पूरे सड़क पे ही आ गया, देखते हैं कैसे निकालते हैं गाड़ी यहाँ से। अरे निकल गई बड़े प्यार से यार भाई, ये सबसे मेजर लैंडस्लाइड मिली है, पूरा पहाड़ गायब है भाई आगे से। अरे बाबो, बस छोटी सी एक पगडंडी बोल लो, जब बस गाड़ी जा रही है इधर से, और नीचे पूरी भाई साहब पूरा पहाड़ी खिसक गया इधर से, तो पता नहीं कौन सा बादल फटा है यहाँ पे। अरे चलो भाई चलो निकलो यहाँ से। तो ये रास्ता जाता है ताड़केश्वर मंदिर के लिए, ऊपर लिखा हुआ है ताड़केश्वर मंदिर राइट में 33 किलोमीटर्स पे, और लैंसडाउन लेफ्ट हल्का सा लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर्स के लिए। तो ये रास्ता जाता है लैंसडाउन के लिए। भाई बहुत जगह लैंडस्लाइड मिली है, बहुत सारी जगह पे जहाँ पूरे पहाड़ी गायब है। ये पूरी रोड ही धसी हुई है नीचे की ओर। वेलकम टू लैंसडाउन कैंप, लैंसडाउन छावनी में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक तो मैंने बोला है भाई, केवल स्वागत है भाई। पता नहीं कैमरे में या वीडियो में आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, ऊपर उड़ रहे हैं भाई बादल। हाँ देखते ही देखते आनंद आ गया भाई, बादल उड़ रहे हैं ऊपर भाई, ये उड़ रहे हैं बादल। आहा स्वाद आ गया, खा के थोड़ी देखे हैं मैंने भाई। गढ़वाल राइफल्स, वेलकम टू गढ़वाल राइफल्स भाई। इधर तो एक जवान रहता था हर टाइम पे, आज नहीं है भाई। ये है कालू डांडा अतिथि ग्रह भाई। लंगूर लंगूर बैठे हैं यहाँ पे भाई। जो भी इंसान दिख रहा है यहाँ पे आर्मी का ही दिख रहा है मुझे, कोई पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, सन्नाटा पसरा पड़ा है यहाँ पे। पहुंच गया हूं लैंसडाउन में और होटल में चेक इन कर लिया है। अभी आपको देता हूं होटल का रूम टूर। रूम बहुत बढ़िया है, बाहर की लोकेशन दिखाऊंगा तो उससे भी बढ़िया है। और ये पूरा होटल का रूम जो मिला है नेगोशिएट करने के बाद 2000 का रूम मिला है, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर में होटल का नाम मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई ये है होटल का बेड, यहाँ पे दे रखा है एक लैंप, टेलीफोन, चेयर, छोटा सा स्टूल, कर्टेंस लगे हुए हैं भाई, कॉफ़ी के लिए जग दे रखा है, इलेक्ट्रिक जग है, और ये दे रखे हैं भाई सैशे दे रखे हैं दूध के, 2 बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री भाई। टाटा स्काई लगा हुआ है भाई, मैच चल रहा है लाइव, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ठीक है। और इधर आ जाते हैं तो इधर ये एक कबर्ड दे रखा है बहुत बड़ा, और इधर आके ये आ गया बाथरूम, गीज़र लगा हुआ है, वॉश मशीन, और 2 सोप, 2 शैम्पू क्लिनिक प्लस के, शावर ऊपर दिया ही हुआ है, 2 टॉवल दे दिए हैं। और भाई इधर आ गया, क्या बात है, एक बहुत बड़ा शीशा। चलो आपको रूम के बाहर लेके चलता हूँ, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है
तो भाई ये है होटल के बाहर का नज़ारा, रूम के बाहर का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया रूम है। और ये पूरा कंप्लीट पैसेज है रूम तक आने के लिए, और ऑल द वे जा रहा है वहाँ तक। और इधर आके भाई फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। और ये है होटल के बाहर का नज़ारा भाई, इस तरीके का भी मिल जाएगा आपको, ग्रीनरी ग्रीनरी है, ऊपर उधर बादल लगे हुए हैं, यार बढ़िया लोकेशन है भाई, मज़ा आ गया। तो भाई कोटद्वार से जहाँ से पहाड़ मिलने स्टार्ट हुए हैं ना, और यहाँ तक लैंसडाउन तक बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड मिली है, पहाड़ के पहाड़ गायब हैं, रोड की रोड गायब है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए हैं। और जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि भाई कब खुला रास्ता, तो बोलते हैं भाई 15-20 दिन पहले रास्ता खुला है यहाँ पे। भाई बहुत बुरा हाल है पहाड़ों का, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस बार। तो अगर आप दिल्ली से आते हैं तो लैंसडाउन आते हुए आपको दो टोल पड़ेंगे, एक पड़ेगा मेरठ एक्सप्रेसवे का जिसपे आपको 155 रुपये देने पड़ेंगे, और एक पड़ेगा शिवाय टोल प्लाज़ा जहाँ आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई दोनों ही टोल मैंने बचा लिए थे, मेरठ एक्सप्रेस में मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं पुराने वाले रास्ते से आया था क्योंकि मैंने गाज़ियाबाद के अंदर से आया था, मोहन नगर से आया था। और शिवाय टोल प्लाज़ा का एक भाई शॉर्टकट है, वो मैंने ले लिया था, तो वो 110 रुपये वो भी बच गए थे। अभी तक जितनी गाड़ी चली है वो 257 किलोमीटर गाड़ी चली है, और टैंक कितना लगा होगा मेरा, हाफ ऑफ द टैंक लगा है मेरा। भाई ऊपर जा रहा हूँ, एक बैग तो गाड़ी में छूट गया, गाड़ी में से निकालने जा रहा हूँ। और भाई ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, एक बार फिर से देख लो भाई, पीछे बादल ही बादल लगे हुए हैं। खुल जा सिम सिम, खुल गया। अभी मैं ठहरा हूँ ईडन रिजॉर्ट, यह पड़ता है दरिया खाल में। और भाई ये है ईडन रिजॉर्ट, यहाँ आपको मिल जाएगी गाड़ी की पार्किंग, दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भाई बैग निकाल लेता हूँ गाड़ी में से, गाड़ी में छूट गया था बैग, अनलॉक करो। ये रहा बैग भाई, सारे चार्जर वार्जर इसी में ही हैं, दो जूते भी रखे हुए हैं, ये बहुत पुराने रखे हुए हैं, इनकी भी एक हिस्ट्री है। तो दोस्तों जो होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ये होटल पड़ता है आपको ताड़केश्वर वाली रोड पे, और यहाँ से ताड़केश्वर लगभग 33 किलोमीटर के आसपास होगा, और आपको जो जाने में लगेंगे 1.5 घंटे के आसपास लगेंगे। भाई ये होटल है ईडन रिजॉर्ट, इसमें मैं ठहरा हुआ हूँ, बहुत बढ़िया होटल है भाई। भाई रात में लग रही है ठंड, हल्की हल्की सी, मध्यम मध्यम सी ठंड है भाई, ये मज़ेदार। हम एसी चला के बैठे हुए थे, मज़ेदार है भाई। थोड़ी सी ठंड और बढ़ा दो जरा सी, स्वेटर की जरूरत पड़ जाएगी, स्वेटर की जरूरत पड़ जाएगी भाई, मज़ेदार मौसम हो रहा है। तो भाई खाना आ चुका है, ये है दाल तड़का, कढ़ाई पनीर, बटर रोटी, और भाई राइस, प्लेन राइस। लाइट थोड़ी धीमी है भाई, इधर बहुत धीमी लाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। और कल वाली वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ताड़केश्वर मंदिर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में जो होने वाली है ताड़केश्वर मंदिर की, तब तक के लिए बाय बाय।